अदने मोदी जी के नेतृत्व में गडकरी साहब ने जिस तरह से कार्य किया बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, किसी स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट थी या नहीं थी, है या नहीं, उसका ध्यान न रख करके कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, देश में गति बढ़ेगी तो प्रगति होगी, और ये आंखों से दिखता है काम। तीसरा, एक देश एक टैक्स। टैक्स टेररिज्म, जिसके बारे में हमने वर्षों तक पूरे देश में एक आंदोलन चलाया, आर्थिक शुचिता आए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, व्यवस्थाएं पारदर्शी बने, तो एक देश एक टैक्स के माध्यम से देश को टैक्स टेररिज्म से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। यद्यपि उस दिन लोगों को परेशानी होती है जब एक नए सिस्टम में ढलना पड़ता है, अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज करने के लिए थोड़ा कष्ट लोगों ने सहा, लेकिन यह देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाला, उसको पारदर्शित बनाने वाला और लंबे समय तक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए जो आर्थिक सुधारों की दिशा में काम किए। और चौथी बात, मैं तो गांव का आदमी हूँ, किसान के परिवार में अनपढ़ बाबा के घर में पैदा हुआ, 16,000 घरों में, गांव में 16,000 गांवों में गैस से लेकर के, बिजली से लेकर के, टॉयलेट से लेकर के, जिनमें के पास घर नहीं था, घर बनाने से लेकर के शौचालय तक के 16,000 गांव में ये कार्य हो चुका। और अगस्त महीने तक आदरणीय अमित जी ने बताया कि लक्ष्य रखा है कि 68,000 गांवों तक ये 7 मूलभूत सुविधाएं उनको ले जाने तक का, और 5 वर्ष पूर्ण होने तक 1,31,000 गांवों को स्वावलंबी बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का, लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने का। और उज्ज्वला की जहां तक बात आती है, करोड़ों महिलाओं को सच में उससे खुशियां मिली हैं। मैंने स्वयं अपनी माँ को देखा है बचपन में रोटी पकाते समय। हम राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर के गांव में पैदा हुए, सरसों अटने के बाद में उसके नीचे के धांसे बोलते हैं, डंडे बच जाते हैं, उनके माध्यम से और गाय भैंस के गोबर से उपले बना करके माँ जब रोटी सेकती थी, तो मैंने अपनी माँ के आंखों में सैकड़ों ने हजारों बार आंसू देखे, और मेरी माँ की नेत्री ज्योति उससे कम हो गई। नहीं तो वो सुई से कपड़े सिला करती थी, तो अपने आँख इतनी तेज थी कि वो कहते हैं सुई के अंदर धागा डालना वो बिना चश्मे के कर लेते। ऐसे करोड़ों माताओं के आंखों के आंसू मोदी जी ने पूछे हैं,